युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय जन समस्याओं को लेकर जनता के साथ मैदान में थे और उन्होंने तात्कालिक अधिकारियों से चर्चा करने के लिए कुछ अधिकारियों को वहां पर बुलाने का चर्चा के माध्यम से बात की थी। वो अधिकारी वहां पर पहुंचे नहीं और इस बीच कुछ उत्तेजना की स्थिति पैदा हुई और उसके बाद इंदौर की जो घटना घटी, हमें इस घटना और कानून की बातों पे बात नहीं करना है, लेकिन इस लोकतंत्र में ही विधायिनी को व्यवस्था दी गई कि वो जनता के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा सकती है, जनता के कामों को लेकर हम जा सकते हैं, लेकिन जनता के कामों के बीच में राजकीय कार्य में बाधा जैसी धारा लगाना निश्चित रूप से ठीक नहीं है। आपको रुपये विजुअल पे दिख रहा है, उन्होंने बल्ले से नगर निगम के कर्मचारी को मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा है और इसके बाद ही वो आरोपी हैं और आज वो जेल के अंदर, आप उनके समर्थन में उतरे हैं आप? नहीं देखिए, इसमें कहीं आपकी छवि पे कहीं असर पड़ रहा नहीं पड़ रहा? आप ही पूर्व मंत्री रहे, हमारा ये कहना कानून अपना काम करे, कानून की जो धाराएं हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन शासकीय कार्य में बाधा जैसी धारा लगाना ठीक नहीं है। भैया दूसरा, कैलाश जी ने एक मीडिया चैनल साफ तौर से पत्रकारों को बोला है, आपकी औकात क्या है? नहीं, कैलाश जी ने किस संदर्भ में कहा मैं नहीं जानता, कैलाश जी हमारे वीडियो वायरल हुआ भैया, हमारी कैलाश जी वरिष्ठ नेता है, किस संदर्भ में उन्होंने कहा इस संदर्भ को मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा मानना है कि चूंकि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता है, इसलिए इसका सम्मान करना हमारे सबकी चिंता है। कैलाश जी ने तो नहीं करा था? नहीं, सम्मान करना चाहिए, किस संदर्भ में उन्होंने कहा ये वही बता पाएंगे, अभी मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई है, चर्चा के बाद मैं अपनी बात। भैया आप हाटपिपलिया के विधायक रहे, पूर्व मंत्री भी रहे और देवास में आप कलेक्टर के पास गए और आपके बंगले से कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं जा सकते थे क्या? नहीं देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन नहीं था, हाटपिपलिया क्षेत्र के कुछ लोगों का जो कि कैलाश विजयवर्गीय जी को अपना नेता मानते हैं, आकाश विजयवर्गीय से उनके पर्सनल संबंध है, क्योंकि इंदौर जिला हमसे लगा हुआ है, बहुत से किसान ऐसे हैं जिनका कैलाश जी के क्षेत्र से भी संबंध रामपुरम से, इस दृष्टिकोण से उनकी मांग थी कि हमको आकाश जी के समर्थन में कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमें लगा कि कार्यपालिका और विधायिनी की सामंजस्य बनाने का कहीं ना कहीं काम होना चाहिए, इस काम को लेकर ही हम आज माननीय कलेक्टर महोदय के पास, राज्यपाल महोदय के कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय तक अपनी बात पहुँचाने गए थे और हमारी कोशिश यही है कि ये लोकतंत्र जो कि भविष्य का। भैया आपने देवास में गए, आप देवास के किसी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष से इस बारे में बात नहीं करी कि आपको चलना है? नहीं, पार्टी का कार्यक्रम नहीं था ये, आपने देखा कि हमारे यहाँ पर जो एक देवास में लोकतंत्र रक्षक कहा जा सकता है सम्मानी इंदर सिंह ठाकुर जो 18 साल की उम्र में जेल गए थे, वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे, यहाँ के पूर्व महापौर श्री शरद पाचनकर जी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और भी देवास से कुछ पदाधिकारी जो पार्टी से संबंधित थे कहीं ना कहीं मौजूद थे, बहुत से युवा जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है वो भी मौजूद थे, बहुत से किसान जो पार्टी के सदस्य नहीं थे वो भी मौजूद थे, आपने देखा देवास, ये मान ले अपन पार्टी का कार्यक्रम नहीं था ये देवास के एक्टिव फ्रेंड ऑफ देवास एक संस्था है और दूसरा घाटी में विधानसभा क्षेत्र के आम लोग।